स्वागत है आपके स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास 2024 का पासवर्ड है? 2024 का चुनाव चेहरे पर होगा, धर्म पर होगा या जाति पर होगा? उत्तर प्रदेश में आज कुछ संकेत मिले। योगी ने आज किस बड़े नेता की जमकर तारीफ की? अखिलेश यादव ने किस पुराने फॉर्मूले को नए तरीके से आजमाने की कोशिश की? तेजस्वी यादव ने किसे अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया? और बिहार के बीजेपी नेता ने क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं? लेकिन नरेंद्र मोदी के पास ऐसा कौन सा वोट बैंक है जो ना राहुल गांधी के पास है, ना ममता बनर्जी के पास है और ना नीतीश कुमार के पास है? इसी सवाल को डिकोड करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कल्याण सिंह की मूर्ति लगाई। और फिर बीजेपी के बाबूजी की कहानी समझाई। 2024 के चुनाव में कल्याण सिंह की यह 9 फीट ऊंची प्रतिमा यूपी में बीजेपी का काम आसान कर सकती है। उत्तर प्रदेश एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में जगह जगह दंगे हो रहे थे, प्रदेश में आतंकवाद की सुगबगाहट हो रही थी। उन स्थितियों में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने उस कालखंड में प्रदेश की बागडोर संभाली थी। कार्यकाल एक बहुत सीमित समय का था, लेकिन उस सीमित समय के कार्यकाल के दौरान ही सरकार की धमक क्या होनी चाहिए, यह उन्होंने उस समय साबित करके सुशासन के पुख्ता नींव जो डाली थी, वही पुख्ता नींव आज प्रदेश के समग्र विकास का आधार बन रही है। मंच पर योगी मौजूद रहे और पोस्टर से लेकर वीडियो स्क्रीन पर सिर्फ कल्याण सिंह नजर आए। योगी ने यहां तक कहा कि कल्याण सिंह ने जो कहा और किया, उन्हीं के सपनों का उत्तर प्रदेश बन रहा है। यूपी में कल्याण सिंह के स्टैच्यू से निकला मैसेज एकदम क्लियर है। कल्याण सिंह लोध जाति के सबसे बड़े नेता रहे हैं। माना जाता है कि 2019 और 2022 में लोध वोट बैंक ने बीजेपी का साथ दिया और 2024 में भी बीजेपी इसे बरकरार रखना चाहती है। यूपी की 150 से ज्यादा ओबीसी जातियों के करीब 45% वोटर्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा 9% यादव, इसके बाद कुर्मी, निषाद और करीब 3.5% तक लोध वोट हैं। ओबीसी वोटर यूपी में किंग मेकर और देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। 2024 के लिए एक एक वोट की लड़ाई में बीजेपी ने लोध वोटरों को साथ रखने की तैयारी की है। क्या बाबूजी की मूर्ति लगाकर बीजेपी का कल्याण होगा? इस पर बीजेपी खुलकर नहीं बोलती, पर इशारा 2024 की तरफ ही है। बीजेपी के लिए कल्याण सिंह एक बड़े लोध नेता के रूप में भी उभरे। अभी तक जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो सबसे बड़े नेता माने जाते थे उत्तर प्रदेश में लोधों की। तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि ओबीसी को किंग मेकर कहा जाता है और जो गैर यादव ओबीसी वोट है उस पर बीजेपी की नज़र है, काफ़ी वो जो वोटर्स हैं बीजेपी ने अपनी तरफ कर भी लिए हैं। तो आज की ये जो पूरी मूर्ति का अनावरण का प्रोग्राम हुआ है, उसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ये बताइए, जो कहा जा रहा है कि क्योंकि कल्याण सिंह लोध के सबसे बड़े नेता थे, इसलिए जो मूर्ति लगाई गई है, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा हो? देखिए, माननीय कल्याण सिंह जी राष्ट्र के नेता थे, हिंदुत्व के नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, किसी जात के नेता नहीं, और उनकी स्वीकार्यता सभी समाजों में थी। हिंदू हृदय सम्राट के नाम से वो जाने जाते थे। ये कहना तो कतई ये है कि केवल लोधी समाज के नेता थे, ऐसा नहीं है। आज लखनऊ में कल्याण सिंह को याद किया गया। 23 अगस्त को कल्याण सिंह के होम टाउन अतरौली में भी प्रोग्राम होगा। यानी बीजेपी खुद को लोध वोट बैंक का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनाकर प्रेजेंट कर रही है। यूपी के करीब 20 जिलों में लोध वोट हार जीत तय करते हैं। 2024 में कांटे की टक्कर होगी। इस रणनीति के लिए एक एक फैसला काफी सोच समझ कर किया गया है और ये लोध वोट 2024 के संग्राम में किसी भी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यूपी में
जो ओबीसी वोट है, खासतौर से जो नॉन यादव ओबीसी वोट है, उस पर बीजेपी ने 2014 से अपनी नजर बना रखी है। और 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 17 का विधानसभा चुनाव या 2019 का लोकसभा चुनाव या 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, सभी में बीजेपी ने इस वोट बैंक पे सेंध लगाई है। और क्योंकि लोथ कम्युनिटी ओबीसी में बड़ी कम्युनिटी है, करीब 3.5 से 5% वोट है। यूपी के 20 जिले हैं जहां पर ये वोटर मायने रखते हैं। तो सरकार को, बीजेपी को उम्मीद है कि इस तरह से मूर्ति लगा के कल्याण सिंह के नाम पर अस्पताल बनाकर इसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में भी जरूर होगा। 2024 में ओबीसी वोटरों के लिए रणनीति तैयार हो रही है, पर इसकी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हिंदुस्तान में पिछड़ी जातियों की यानी ओबीसी की ठीक ठीक आबादी कितनी है कोई नहीं जानता, क्योंकि जातीय जनगणना ना तो कभी हुई ना ही कभी सरकार ने ऐसे आंकड़े जारी किए। फिर भी विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट के आधार पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि देश में ओबीसी कम से कम 41% हैं, जिनको सरकारी नौकरियों में 27% का रिजर्वेशन मिलता है। जब भी ओबीसी वोटों की बात होती है तो पहला नाम यादव का आता है। यादव ओबीसी की सबसे बड़ी जाति है। 2024 के लिए ओबीसी वोटरों का हिसाब बीजेपी भी लगा रही है और अखिलेश यादव भी प्लान बना रहे हैं। जनगणना होगी तो हम लोग नंबर एक पे दिखाएंगे, और इसलिए जानबूझकर के हमारी आपकी जाति जनगणना नहीं हो रही। अखिलेश के कॉन्फिडेंस की वजह है 2022 का यूपी चुनाव। इसमें अखिलेश को ज्यादातर यादव वोट मिले, हालांकि पूरा फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिला, क्योंकि इस वोट बैंक में बीजेपी ने भी सेंध लगाई। यूपी में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो यादव के अलावा सारे ओबीसी मोदी का साथ देते हैं, लेकिन जब यूपी में लोकसभा चुनाव होते हैं तो मोदी के आगे जाति के सभी समीकरण टूट जाते हैं। यानी तब मोदी को थोक में ओबीसी वोट मिलते हैं और बीजेपी को 2024 में इसी फॉर्मूले के चलने का भरोसा है। अभी आप देख रहे हैं कि जातिगत जनगणना की मांग हो रही है कि उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाए, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, तो आप लोग का क्या कहना है? अगर ये मांग है और जातिगत जनगणना होने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ये पता चल जाए कौन कितना कहाँ कहाँ कितनी संख्या में है, तो इसमें क्या बुराई है? हो जाए तो क्या दिक्कत है, इसमें होनी चाहिए। सरकार तो आपकी ये दोनों जगह केंद्र में भी प्रदेश। अब ये निर्णय सरकार को लेना है। जो बात है भावनात्मक, जो बात है आपने पूछी, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जातिगत जनगणना हो जाए तो ये पता चल जाए कौन कितनी संख्या में है, और उनको फिर उस नाते उनको शासन सत्ता में और व्यवस्था में भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। 2024 के लिए दो ऐसे वोट बैंक हैं जिसने बीजेपी के लिए चुनौती पैदा कर दी है। ये हैं जाट और त्यागी वोटर। त्यागी समाज ने आज महापंचायत की और किसान संगठन सोमवार को महापंचायत करना चाहते हैं। आज नोएडा में त्यागी समाज ने श्रीकांत त्यागी को समर्थन देते हुए महापंचायत की। करीब 50,000 लोग पहुंचे और सभी लोगों ने श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगाने और उसकी पत्नी की पुलिस कस्टडी का विरोध किया। जो उसके परिवार के साथ अनु त्यागी के उनके बच्चों के साथ जो दुर्भाव व्यवहार किया सरकार ने, जिस तरह से कार्रवाई की, एक मतलब एक तरफा कार्रवाई बोलते हैं महेश शर्मा के कहने पे या किसी कहने पे, तो वो गलत है। महेश शर्मा ने जो टारगेट करा पूरी बिरादरी के लिए कि पूरी बिरादरी को गाली दी है, उसके अपने कृत्य में वो माफी मांगे लोगों से। श्रीकांत त्यागी का पूर्ण रूप से समर्थन है, उनकी वाइफ के भी पूर्ण रूप से समर्थन है। हम श्रीकांत त्यागी जी की जो गाली दी है उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, पर जो उनकी जो वाइफ के साथ जो किया जा रहा है, जो जाति करी जा रही है, उनको रात रात 24 घंटे 48 घंटे चौकी में बैठाया जा रहा है बगैर पुलिस, उसके ये सब इसके खिलाफ हमने पंचायत करी है ना। कभी भी नहीं ठहरा रहा श्रीकांत का वही ना। हम तो अनु त्यागी के हिसाब से सोच रहे कि ये जो महिला होने के नाते बाद में बिजली काट दी, पानी काट दिए, ये गलत किया। ऐसा कभी अन्याय नहीं हुआ जैसा श्रीकांत गैल हुआ। श्रीकांत त्यागी पर महिला से बदसलूकी का आरोप है। अभी श्रीकांत त्यागी जेल में है, लेकिन वेस्टर्न यूपी के 8 जिलों में त्यागी समाज असरदार है। मेरठ, बिजनौर, बागपत, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा और मुरादाबाद में त्यागी वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। बीजेपी एक श्रीकांत त्यागी के चक्कर में पूरे त्यागी समाज का वोट खोना नहीं चाहती। त्यागी और जाट वोटर बीजेपी के खिलाफ हुए तो 2024 में वेस्टर्न यूपी में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर जाट और त्यागी वोटर खिलाफ हुए तो बीजेपी का 30% वोट बैंक खिसक सकता है। वेस्टर्न यूपी की 71 सीटों में से 20 पर जाट वोटर डायरेक्ट असर रखते हैं।
पश्चिमी यूपी के 8 जिलों की विधानसभा और लोकसभा सीटों पर त्यागी समाज का दबदबा है। किसान नेता राकेश टिकैत की लीडरशिप में बीजेपी के खिलाफ एक महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। जैसे ही किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे, जवाब में बीजेपी ने जाट नेता संजीव बालियान को उतार दिया। तो हमारा वोटर है, अगर कहीं किसी बात की कोई वो है तो हम निश्चित रूप से बैठ के बातचीत करेंगे और कोई भी किसी के मन में हो दूर करेंगे उस बात को। मंत्री की कमी कहाँ रह गई जो महापंचायत की जरूरत पड़ गई उनको? देखिए, वो तो वहाँ के लीडर बता सकते हैं, चूँकि मैं वहाँ से लीडर नहीं हूँ, नोएडा आसपास ना मुझे ज़्यादा कार्रवाई का पता। जो भावनाएं उनके है वो भावना मेरे अंदर भी रही कि हाँ, जैसे उसने जो कार्रवाई की, जो भी गलती की, उसकी सज़ा मिले, लेकिन जिस तरह से कोई परिवार के ऊपर वो हुआ है उससे कुछ भावनाएं याद हुई है, और वो बात ठीक भी है कि गलती व्यक्ति की हो सकती है, उसके परिवार की तो नहीं थी। यूपी में जाट और त्यागी समाज का वोट और बिहार में ओबीसी वोट को कैलकुलेट किया जा रहा है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार खुद भी पीएम इन वेटिंग की रेस में शामिल है। उनकी पार्टी के नेता बार बार यही दावे कर रहे हैं कि 24 में मोदी को रोकने का काम बस नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। 2024 को लेकर जाति जनगणना का मुद्दा बिहार में भी खूब ट्रेंड कर रहा है। यहाँ भी डिसाइड करने वाला फैक्टर ओबीसी वोट बैंक है। बिहार में 146 जातियां ओबीसी में शामिल हैं, जिनमें 113 जातियां अति पिछड़ा वर्ग में। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग लगभग 30% है, इसलिए इनके वोट निर्णायक होंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी खुद भी अति पिछड़ा वर्ग से हैं और इस वोट बैंक में बीजेपी ने अपना बड़ा आधार बनाया है। देखिए, लोग चेहरे को देखकर वोट करते हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बन सकता है प्रधानमंत्री। और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता 2014 में थी, आज उनकी लोकप्रियता उससे कई गुना ज़्यादा है। और बीजेपी की जो ताकत और संगठन 2014-15 में था या 2019 में था, उसे कई गुना ज़्यादा आज है। उसने सपना देखने में क्या लगता है, चेहरा कौन होगा बताएं वो, कि नरेंद्र मोदी का कौन मुकाबला करेगा? कोई एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए बोलने में क्या लगता है, यहाँ कम कर देंगे। बिहार में टक्कर कांटे की है, मगर यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक्स फैक्टर है। पब्लिक को समझ में आ गया है कि जो मोदी के साथ जाएगा नंबर उसी का बढ़ेगा। अभी 3 हफ्ते पहले ही इंडिया टीवी ने एक सर्वे कराया। इंडिया टीवी मैटराइज सर्वे के मुताबिक अगर जुलाई के आखिर में चुनाव हो गए होते तो बिहार में बीजेपी को 21 सीटें मिलती, जेडीयू को 14 सीटें मिलती, आरजेडी को 4 सीटें मिलती और कांग्रेस को 1 सीट मिलती। बिहार में बीजेपी के पास 17 सांसद हैं, सर्वे में वो बढ़कर 21 होते दिख रहे हैं। इसी तरह बिहार में बीजेपी का वोट शेयर 24% से बढ़कर 26% हो सकता है। 24 में बिहार का सियासी दंगल तगड़ा होगा, बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को ट्रंप कार्ड बना लिया है। नीतीश कुमार और लालू यादव की कोशिश होगी कि आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी और आरक्षण की बात उठाकर बिहार में बैकवर्ड और फॉरवर्ड का माहौल तैयार किया जाए। 3 और 4 सितंबर को पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें 2024 की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करना है, तो अब तो ये दिख रहा है ना कि 2024 में आप लोग चाहते हैं नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार हों। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है भाई, बिहार के लिए नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं, जिसका मैसेज देश भर में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो रवैया अपनाया हमारे साथ, वह भी सब लोगों के सामने है। अब गठबंधन उनसे टूट गया है, तो अगर प्रधानमंत्री के रूप में जनता दल यूनाइटेड अपने नेता को देखना चाह रहा है तो इसमें बुराई क्या है? संभव है, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, इतने सारे नाम, इतने सारे चेहरे कि नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन जाएगी। देखिए, कोई सहमति बनाने की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं देश में विपक्ष की एकता की तो जरूरत है, और एकता बनाने में बड़ी भूमिका नीतीश कुमार जी की हो सकती है, विश्वसनीयता इनकी बहुत है, देश भर के लोग आज इनकी ओर देख रहे हैं, तो उस दृष्टि से इनकी भूमिका तो बड़ी हो सकती है। बाकी कोई उम्मीदवार के रूप में, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आज हम कोई दावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार के फेवर में सिर्फ एक बात जाती है, वो ये कि बिहार में, बंगाल में और झारखंड में बीजेपी के पास कोई अलायंस पार्टनर नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि अलायंस पार्टनर ना होने पर बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, इसलिए उसके जीतने की संभावना भी ज्यादा होगी। बिहार का ही एग्जाम्पल देखिए,
2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी और 74 सीटें जीती। इसी तरह विधानसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67% रहा। उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी थी और सभी 17 सीटें जीती। इसी तरह मोदी का स्ट्राइक रेट 100% का रहा। बिहार में 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। इसे टक्कर देने के लिए विरोधियों में भी 100% एकता चाहिए, लेकिन पीएम की रेस में मोदी के विरोधी आपस में ही लड़ रहे हैं। बिहार के बाद राजस्थान का मूड देखिए। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने वाले, पब्लिक गहलोत के साथ जाएगी या मोदी पर ही भरोसा जताएगी? इस सवाल का जवाब ओबीसी वोट के कैलकुलेशन में मिल रहा है। बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को देश का पहला ओबीसी उपराष्ट्रपति बनवाया। अब 2024 इलेक्शन में बीजेपी को जाट और ओबीसी वोटों का फायदा मिल सकता है। राजस्थान में चुनाव में करीब 50% वोट बैंक ओबीसी है। राजस्थान की लगभग सभी 25 लोकसभा सीटों पर इनका असर है, यानी 2019 की तरह इस बार भी 25 की 25 सीटें मोदी को मिल सकती है। यही बात 3 हफ्ते पहले हुए सर्वे से भी क्लियर हुई है। इंडिया टीवी मैटराइज सर्वे में राजस्थान का मूड सामने आया है। सर्वे का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह था कि अगर राजस्थान में आज चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनेगी। इसके जवाब में 57% लोग बीजेपी के साथ गए। सिर्फ 27% ने गहलोत सरकार में दिलचस्पी दिखाई। सर्वे में जब लोगों से ये पूछा गया कि वोट किसके नाम पर देंगे, तो 42% ने बिना किसी झिझक के मोदी का नाम लिया। सिर्फ 28% ने गहलोत को चुना। इन आंकड़ों से क्लियर है राजस्थान में बीजेपी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है राजस्थान में विधानसभा चुनाव पर भी, और सबसे ज्यादा भरोसा लोगों का पीएम मोदी पर ही है। तो किसकी बनेगी सरकार और कौन सा चेहरा सबसे पॉपुलर, ये बात तो हमने कर ली, लेकिन वोट शेयर की बात भी कर लेते हैं। तो अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस का वोट शेयर 31% रह सकता है। अगर बात हम कांग्रेस के तर बीजेपी की कर ले, जो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर इस वक्त राजस्थान में है, तो 52% वोट शेयर रह सकता है भारतीय जनता पार्टी का, अगर आज विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होते हैं तो। वहीं अन्यों की अगर बात कर ले तो उनका जो वोट शेयर है वो 17% रह सकता है। बीजेपी वोट शेयर के लिहाज से बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है अगर आज चुनाव होते हैं तो। 148 सीटें 200 में से बीजेपी जीतने की परिस्थिति में है। आज 2/3 से भी ज्यादा बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार राजस्थान में बन सकती है। यह इस सर्वे का सबसे बड़ा नतीजा राजस्थान को लेकर के। फिर बता दें आपको, 52% वोट बीजेपी को मिल सकता है राजस्थान में आज के हालात में, और 148 सीटों में वो तब्दील हो सकता है और कांग्रेस पार्टी 42 सीटों पर सिमट सकती है। तो बड़ी खबर है ये। इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक आज अगर चुनाव हो जाए तो राजस्थान में बंपर मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले। गुजरात में केजरीवाल लगातार राउंड लगा रहे हैं, हिंदू वोटर्स को दिखाने के लिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, लेकिन गुजरात तो मोदी का गढ़ है। वहां प्रधानमंत्री का चेहरा ही वोटों की गारंटी है। इंडिया टीवी मैटराइज सर्वे से भी क्लियर है, गुजरात में मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सर्वे में पब्लिक से डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि अगर आज चुनाव हुए तो गुजरात में वोट किसके नाम पर। इसके जवाब में 33% ने कहा नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम पर। मोदी पर विश्वास के नाम पर, और नतीजा आपके सामने है। 27 साल से भाजपा की सरकार है। सवाल सीधा पूछा गया लोगों से कि आप उनको क्या लगता है नई सरकार किसकी बनेगी। 56% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि भूपेंद्र पटेल यानी बीजेपी की सरकार रिपीट होने जा रही है, दोबारा बनने जा रही है। 31% लोगों को लगा कि कांग्रेस पार्टी शायद इस बार कोई करिश्मा करेगी जिसकी उम्मीद वो बरसों से कर रही है, और उलटफेर कोई होगा और उनकी सरकार बनेगी। 9% लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार कोई ऐसा उलटफेर कर देगी जो कि सबको चौंका दे, और 4% लोगों को लगता है कि इस बार बहुमत किसी का नहीं आएगा।
भारतीय जनता पार्टी को आज के हालात में 48% वोट मिलने के आसार हैं। इसके अलावा 33% वोट कांग्रेस पार्टी को जा सकता है, आम आदमी पार्टी को 16% वोट मिल सकते हैं और अन्य को 3%। तो वोट शेयर में बीजेपी नंबर वन पार्टी आज भी 27 साल के बाद भी बनती हुई दिखाई दे रही है। 48% वोट मिल सकता है बीजेपी को गुजरात में। पंजाब में 2024 इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। देश के एससी वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा पंजाब में, सिखों के बाद पंजाब में इनकी आबादी सबसे ज्यादा है। पंजाब में एससी जनसंख्या करीब 32% है। 2024 में पंजाब की 13 सीटों के लिए अभी से रेस शुरू हो गई है। तो हमने फैसला किया, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, कि एजी ऑफिस में जितने भी लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट हैं वो नई क्रिएट की जा रही हैं लॉ ऑफिसर्स की, जिसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो अखबारों में छप चुकी है, मीडिया में आ चुकी है। बड़ी जल्दी इस प्रोसेस को पूरा करके 58 एससी समाज के वकीलों को लॉ ऑफिसर्स के तौर पर पंजाब सरकार जो है वो एजी ऑफिस में नियुक्त करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।